शोली का शोल भैया दो भक्तों की कहानी। हरिया और मोहन। हरिया मोहन को समझा रहा था कि देख भाई, तू हर रोज शाम को मदिरा पीने जाता है, बुरे काम करता है, तुझे इसका क्या लाभ है, क्या मिलता है। मोहन ने कहा, भाई तू हर रोज अपने गुरु के पास जाता है, सेवा करता है, तुझे क्या मिलता है, तुझे क्या लाभ है। दोनों ने फैसला किया कि परिणाम एक माह के बाद हम देखेंगे, पता करेंगे। एक माह के बाद हरिया एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था, हाय हाय कर रहा था। मोहन के चेहरे पर खुशी थी। वह बोला, हरिया ये देख आज मुझे क्या मिला, एक संदूक। इस संदूक में कोयले थे, जब मैंने नीचे देखा तो एक हीरा मिला इसमें मुझे। हरिया ने रोते हुए बताया कि मैं सत्संग जा रहा था, तभी रास्ते में मेरे पाँव में एक बड़ा सूल कांटा चुभ गया, जो कि मेरे पाँव के आर पार हो गया और दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है। मोहन ने बहुत कोशिश के बाद वह कांटा निकाल दिया और हंसते हुए बोला, देख ले भाई, मैं बुरे काम करता था और आज मुझे एक हीरा मिला। तू बड़ा धार्मिक बनता है ना, तुझे तेरे भगवान ने क्या दिया, एक हाथ लंबा सूल। हरिया भी सोच में पड़ गया। दोनों ही हरिया के गुरु के पास गए और वहां सारा वृतांत सुनाया। गुरुजी ने अंतर ध्यान होकर देखा और बोले कि मोहन पिछले जन्म में बहुत दानी सज्जन था, हर जरूरतमंद की मदद करता था। इस जन्म में इसको हीरों का सिंदूक मिलना था, लेकिन हर रोज गलत काम करने के स्थान पर इसके हीरे कोयले के बन गए। लेकिन आज ये गलत काम करने नहीं गया, सो इसको यह सिर्फ एक हीरा मिला है। इस संदूक में इतने हीरे थे कि इसकी 25 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हरिया तो पिछले जन्म में जल्लाद था, चोर और डाकुओं को फांसी देता था, पर फांसी से पहले उन सभी से माफ़ी भी मांगता था कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। तेरी माफ़ी के सदके मालिक ने तुझे गुरु बख्शा, लेकिन इस जन्म में तुझे भी फांसी होनी थी हरिया। लेकिन एक गुरु अपने प्यारे को यमराज के हाथ नहीं सौंपता, सो तेरी सूली के बदले तुझे एक बड़ा सूल चबाकर उसे माफ़ी में तब्दील कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण।